नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार, लेक्चरर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम निम्न को व्यक्त करता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। उसमें जो पदार्थ की जो प्रॉपर्टी होती है, जो कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था या एक समान गतिशील है तो वह वस्तु तब तक अपनी स्थिति में चेंज नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता, और उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रथम नियम है उसमें जड़त्व को वो व्यक्त किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जड़त्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, एक कण नियत चाल से एक सरल रेखीय मार्ग पर गतिमान है, बल की आवश्यकता नहीं होती। कि यदि किसी वस्तु की आपको चाल बढ़ानी है तो आपको बल लगाना पड़ेगा, यानी कि उसकी अवस्था में चेंज हो रहा है तो वहां पर आपको बल लगाना पड़ेगा। किसी वस्तु का संवेग घटाना है तब भी आपको बल लगाना पड़ेगा, उसकी दिशा परिवर्तित करनी है तब भी आपको बल लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि वो जिस एक समान गति के साथ चल रहा है उसी चाल को रखना है तो आपको किसी भी तरफ के बाह्य बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि उसको एक समान वेग से चलाने के लिए कोई आपको बाह्य बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर थ्री, यदि किसी गतिमान वस्तु का द्रव्यमान m एवं वेग v है तो वस्तु का संवेग होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो वस्तु का जो संवेग होता है वो उसके द्रव्यमान तथा उसकी वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो जो वस्तु का संवेग होगा वो m इंटू v, तो करेक्ट आंसर d है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, संवेग का मात्रक है, तो जो संवेग होता है p इक्वल टू mv होता है, तो m का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम और जो वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो संवेग का जो मात्रक हुआ वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है। ऑप्शन ए, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री का पीछे की ओर झुकना। अपन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रुकी हुई गाड़ी अगर अचानक से चलती है तो उसकी जो पैर है वो तो उसी गाड़ी के साथ चलने लगते हैं, लेकिन उसकी बॉडी का जो ऊपर वाला भाग है वो अभी रेस्ट अवस्था में होता है, जिसके कारण व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है, और ये जड़त्व के नियम का एग्जाम्पल है, तो ये प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा गेंद को कैच करते समय हाथों का पीछे की ओर ले जाना। हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई फील्डर होता है वो तेज गति से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है, क्योंकि जो कैच करने का जो समय होता है उस समय को वो बढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है कि जो फोर्स जनरेट होता है, जो फोर्स जनरेट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अगर टाइम बढ़ेगा तो उसके द्वारा जो फोर्स जनरेट होगा वो उसकी वैल्यू क्या कम होगी, जिससे उसके हाथों को चोट कम आएगी, और ये न्यूटन की गति के सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। तो बंदूक से जब गोली चलती है तो बंदूक गोली को आगे की तरफ चलाता है, सेम टाइम गोली उस बंदूक पर एक प्रतिक्रिया रिएक्शन देती है जो कि उसको पीछे की तरफ धकेलती है, जिससे व्यक्ति के कंधे पर पीछे की ओर एक झटका लगता है, और ये क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो इसमें जो पूछा गया था कि द्वितीय नियम का जो एग्जांपल है वो ऑप्शन बी, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा गेंद को कैच करते समय हाथों को पीछे की ओर ले जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, किस स्थिति में उसका भार वास्तविक भार से कम होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई व्यक्ति है वो अगर या तो लिफ्ट में बैठा हुआ है या किसी गुब्बारे में बैठा हुआ है, और लिफ्ट या गुब्बारा ए एक्सीलेशन के साथ यदि ऊपर की तरफ जा रहा होता है तब तो उसको बढ़ा हुआ भार महसूस होता है, और वही लिफ्ट या गुब्बारा अगर एक्सीलेशन के साथ नीचे की तरफ गति करता है तब उसको अपना भार कम महसूस होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ये है, लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर की ओर गति करती है, इस केस में उसको बढ़ा हुआ भार महसूस होगा। बी है, लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की ओर गति करती है, तो इस केस में उसको अपना कुछ भार है वो कम महसूस होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कि लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की ओर गति करती है तब उसको अपना भार कम महसूस होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जैसा कि जब व्यक्ति जल में तैरता है तो व्यक्ति अपने हाथों से जल को पीछे की तरफ धक्का लगाता है, यानी कि वो एक एक्शन करता है। तो सेम टाइम जो जल होता है वो व्यक्ति को आगे की तरफ धकेलता है, उस टाइम उसकी जल के द्वारा एक प्रतिक्रिया कार्य करती है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है, जो कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी, तृतीय नियम का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी पिंड के द्वारा उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो यह पदार्थ की एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी विरामावस्था या एक समान गतिशील चाल से कोई पिंड गति कर रहा है, और यदि उसमें किसी अवस्था उसकी अवस्था या उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन करना है तो आपको बाह्य बल लगाने की आवश्यकता होती है, इसको जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है, उसको जड़त्व बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, किसी गतिशील वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी जो वस्तु होती है उसका जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कि वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उतना ही उस वस्तु का जड़त्व ज्यादा होगा, तो वो अपनी अवस्था में चेंज नहीं करेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, वस्तु के द्रव्यमान पर उसका जड़त्व निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोग्राम भार बल बराबर है। हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 किलोग्राम भार होता है वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, इक्वल टू 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 11, यदि दोनों निकायों के द्रव्यमान जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है को आधा कर दिया जाता है तो डोरी में तनाव होगा। ये एक निकाय है जिस पर दो भार लटके हुए हैं M1 और M2। सेकेंड केस में यदि उनका द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है तो उनके तनाव पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें अपन ने जो कैलकुलेट किया था कि पहले इस इक्वेशंस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम इस पिंड के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इक्वेशन नंबर 1 आएगी जो कि होगा गति की दिशा में M1 माइनस जी फोर्स लगेगा और वो इक्वल टू होगा M1A। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन होगी इस ब्लॉक के लिए, ये एक्सीलेशन के साथ ऊपर नीचे की तरफ, ये एक्सीलेशन के साथ ऊपर की तरफ गति करेगा। तो सेकेंड ब्लॉक के लिए M2 के लिए जो इक्वेशन होगी वो M2G इक्वल टू M2A, इक्वेशन नंबर 3। ये है जब उनका द्रव्यमान M1 और M2 दे रखा है। ठीक है, सेकेंड केस होगा जब इनके द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन इस ब्लॉक के लिए जो होगी M1G/2 माइनस टी इक्वल टू M1/2A, इक्वेशन नंबर 3, टी माइनस M2/2G इक्वल टू M2/2A इक्वेशन। जब इक्वेशन नंबर 1 एक और दो को सॉल्व करेंगे तब एक्सीलेशन निकाल कर उसका टेंशन फोर्स निकालेंगे। ठीक है, और सेकेंड केस में इन इक्वेशनों को सॉल्व कर उसका टेंशन फोर्स निकालेंगे। तो जो टेंशन फोर्स होता है वो फर्स्ट वाले केस से जो सेकेंड वाले केस में निकालेंगे वो उसका आधा हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर है बी, उसका टेंशन फोर्स आधा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 12, दो पिंड जिनका द्रव्यमान M1 तथा M2 है, जिनको एक डोरी के दोनों सिरों से बंधे हैं और चित्रानुसार एक घर्षण रहित गिरनी से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो निकाय का त्वरण होगा। यही डायग्राम है कि एक पुली, एक फ्रिक्शनलेस पुली है, उस पर एक डोरी गुजर रही है, उन डोरी के दोनों सिरों पर M1 और M2 द्रव्यमान लटके हुए हैं। ठीक है, तो ये M1 और M2 जब द्रव्यमान लगे हुए हैं तो ये A एक्सीलेशन के साथ जो M1 द्रव्यमान है वो A एक्सीलेशन के साथ नीचे की तरफ गति करेगा और M2 वो A एक्सीलेशन के साथ ऊपर की तरफ। तो इसके लिए जो इक्वेशन आएगी वो M1G-T इक्वल टू M1A, इक्वेशन नंबर 1। सेम टाइम M2 के लिए T-M2G इक्वल टू M2A। इन इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो जो एक्सीलेशन आएगा वो M1-M2, इन दोनों को सम करेंगे तो M1-M2 कॉमन आ जाएगा, जी इक्वल टू M1+M2 × A, A को एक साइड में ले जाएंगे तो जो एक्सीलेशन का आंसर आएगा M1-M2/M1+M2 × G, इसका करेक्ट आंसर है A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली 100 मीटर/सेकेंड के वेग से एक लकड़ी के गुटके में 6 सेंटीमीटर तक धस जाती है, तब गोली द्वारा गुटके पर आरोपित औसत बल है। तो इसमें अपने को
गुटके पर आरोपित औषध बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे अपन इसका डायग्राम बनाते हैं कि ये एक रेत है जिसकी मोटाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पर जब गोली एंटर हो रही है उस टाइम उसकी वेलोसिटी है u=100 m/s, जो कि अपने को दिया गया है, और वो उसमें धस जाती है। धस जाने का मतलब है कि वो एक कुछ दूरी पर जाकर वो उसको रुक जाती है, तो वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर रुक जाती है, उसका मतलब उसका अंतिम वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। ठीक है, अब अगर इसको इसका आरोपित बल ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपने को इसका एक्सीलरेशन ज्ञात करना पड़ेगा कि गोली किस त्वरण के साथ अंदर चल रही है। ठीक है, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए अपने को गति की तीसरी समीकरण का यूज करेंगे, v² = u² - 2as। यहाँ पर अपन एक्सीलरेशन यूज न करके रिटार्डेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी उसकी रिड्यूस हो रही है। पहले 100 m/s थी, कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, तो यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी पुट करेंगे इसमें v = 0 पुट करेंगे, u = 100, 2a s = 6 cm को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.06। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्सीलेशन आएगा 83,333 m/s², और जो आरोपित बल होता है, औसत आरोपित बल होता है, वो p = ma mass × acceleration। जो मास दे रखा है वो 5 ग्राम, इसका मतलब है 5 ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 5/1000 × ए की वैल्यू पुट करेंगे 83,333। इसको तो सॉल्व करेंगे तो जो आरोपित बल मिलेगा p = 416.6767 N। इसका मतलब कि ये क्लोज टू 417 N, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो बी 417 N। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक लिफ्ट का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है जब उसे लटकाने वाली केबल का तनाव 28,000 N है, तब इसका त्वरण होगा। तो जो लिफ्ट है, सपोज करो ये एक लिफ्ट है, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका द्रव्यमान है 2000 किलोग्राम। अब ये लिफ्ट एक केबल के द्वारा कनेक्टेड है, तो इस केबल में जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा वो होगा टी। ठीक है, अब जब केबल या तो ये लिफ्ट ऊपर आएगी, ऊपर की तरफ गति करेगी, या नीचे की तरफ गति करेगी, जो भी अभी क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया हुआ है। तो जो टेंशन फोर्स होता है t = अभी अपन सपोज कर रहे हैं कि जो इसमें जो लिफ्ट है वो ए एक्सीलेशन के साथ ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो जो टेंशन फोर्स t = हो जाएगा कि रियल वेट प्लस ma। ठीक है, तो t = अपने को दे रखा है 28,000। अब इसमें व्यक्ति का द्रव्यमान दे रखा है, तो m कॉमन आने पर तो जो m की वैल्यू पुट करेंगे 2000 g + 1। ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे तो 14 = g + 1। अब इसको लेफ्ट हैंड g को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो a = आएगा 14 - g, अप्रोक्सीमेटली g की वैल्यू होती है 10, तो 14 - 10 = 4 m/s². यानी कि अपन ने जो एज्यूम किया था कि जब वस्तु जो लिफ्ट है वो ए एक्सीलेशन, ए की वैल्यू यानी कि आ गई 4 m/s², जो कि ए एक्सीलेशन के साथ यदि ऊपर की तरफ गति कर रही है, तो उस व्यक्ति का जो वेट उस व्यक्ति का जो द्रव्यमान और जो केबल पर तनाव होगा वो इसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे। तो जो अपने को जो ए जो एक्सीलेशन की वैल्यू मिली है वो 4 m/s², यानी कि अपन ने एज्यूम किया हुआ सही है। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो उसमें जो अपन ने एज्यूम किया था उसके ऑपोजिट हो जाता, अपन ने एज्यूम किया था ऊपर की तरफ, और अगर नेगेटिव हो जाता तो वो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ गति करती। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि लिफ्ट है वो 4 m/s² के त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 रॉकेट प्रक्षेपण आधारित है कि जब रॉकेट को छोड़ा जाता है, दागा जाता है, तो गति के किस नियम पर आधारित है। तो यह गति के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। तो यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है कि रॉकेट को जब ऊपर की तरफ छोड़ा जाता है तो इसमें से एक धुआं निकलता है, वो धुएं को पीछे की तरफ छोड़ता है, जिससे धुआं रॉकेट को ऊपर की दिशा में प्रक्षेपित करता है। तो यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, जो कि गति का तृतीय नियम है। ठीक है, तो ये तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, ओके, थैंक यू।